नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट दो मिनट में किसी भी व्यक्ति के ऊपर तिलमिला जाता है, उसका एक कड़वा सच आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1951 का एक केस है जो सबसे पुराना केस, आज अब तक उस पर फैसला नहीं पा पाया है, और 1969 का एक फैसले पर अभी इंतजार है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो हर एक व्यक्ति को आईना दिखाती है, क्या ऐसे न्याय का व्यवस्था को आईना नहीं दिखाना चाहिए। इन सबके बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कैसे गुस्सा हुई, और आखिरकार जो न्यायाधीश थे वो गुस्से से लाल हो गए। पैसा और भाषा ने हमारी न्याय व्यवस्था की कमर तोड़ चुकी। ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शब्द हैं। जहां एक तरफ मिलावट को अंग्रेजी पसंद है और महंगी लाइफ स्टाइल, इसके अलावा उनकी किसी भी के प्रति जवाबदेही नहीं है। वह अपने सिलेक्शन खुद कलेजियम की तरह करते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, या दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, परंतु मिलावट के सामने अदला हो जाता है। वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वह खुद भी जवाबदेह नहीं होते। यानी हमारे माननीय अनंत से भी दो कदम आगे हैं। वह किसी भी फिल्म का डायलॉग है, आपने देखा होगा, सुना होगा, कभी कभी लगता है आप उन्हीं भगवान हैं। शायद ये लोग अपने आप को ऐसा सोचते होंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक विश्लेषण है जो एक न्यायपालिका की व्यवस्था के ऊपर किया जा सकता है। अब समझ सकते हैं इस लेवल तक हमारे जज महोदय पहुंच चुके हैं। बहरहाल चलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ। इससे पहले हम अपने गुस्से से तिलमिलाए वाली उनकी वीडियो दिखाएं, आपसे हम अनुरोध करेंगे माननीयों के कारनामों की जो भी लिस्ट हम दिखाने जा रहे हैं, और आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आखिरकार क्या किसी व्यक्ति को इतनी पावर दी जा सकती है कि वो व्यक्ति किसी को भी कभी भी कुछ भी कर सके, और अगर उनके सामने कुछ कोई बोले तो ये कहते हैं माननीय, ये तो कोर्ट की अवमानना होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ बढ़ें, शुरुआत में थोड़ा सा तथ्य बता देते हैं। भारत की 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। सभी राज्यों के लोअर कोर्ट में कुल 4.34 करोड़ केस लंबित पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में है, जहां 1.09 करोड़ पेंडिंग है केस है। इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, जहां 49.34 लाख केस पेंडिंग है। आंकड़े बताते हैं निचली अदालतों के पेंडिंग 70,547 क्रिमिनल केस 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं 36,223 सिविल केस जो हैं वो 30 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि निचली अदालतों ने 5 साल या उससे ज्यादा से पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। पिछले 10 सालों में सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केस की संख्या जिला स्तर पर 34 लाख से ज्यादा, और हाई कोर्ट में 12.5 लाख से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 11,000 मामले पेंडिंग है। कलकत्ता हाई कोर्ट में 71 साल से सिविल कोर्स पेंडिंग में है। ये जो मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, ये आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आईना दिखाता है तो क्या खुद भी अपने आप अपने चेहरे को आईना नहीं देखना चाहिए आईने में? और क्या इतना दूध का धुला पाक साफ है? तो आखिरकार ये जो आंकड़े हैं वो कहां से आते हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट के सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है सिविल कोर्ट का, 1951 से चल रहा है। 1951 का केस अभी चल रहा है। अब सोचिए 1951 का व्यक्ति, अगर हम बात करते हैं, आज हम 2023-24 में तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं तो लगभग 50 साल 2000 तक हो गया, और उसके आगे लगभग 23-24 साल, यानी जब से देश आजाद हुआ उसके आसपास के लगभग 73-74 साल का सिविल केस जिस व्यक्ति के पर होगा वो कौन होगा? 75 साल, या तो वो निपट चुका होगा या उसकी कितनी खानदानें निपट चुकी होंगी। वहीं सबसे पुराना क्रिमिनल केस समझिए 1969 का क्रिमिनल केस है, जिसके फैसले का इंतजार है। 1969 वाला व्यक्ति यानी 31 साल 2000 तक, उसके आगे 25 साल लगभग 56 साल से किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है, वो फैसले का इंतजार कर रहा है।
अगर उसकी उम्र, क्योंकि उसकी उम्र जरूर 18 वर्ष से ऊपर रही होगी, तो 55 प्लस 18 हम जोड़ देते हैं तो लगभग हम 75 साल पे जाते हैं। और वह आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि 80 साल का व्यक्ति जिसके ऊपर फैसले का इंतजार है वो जेल में पड़ा हुआ है। देश के 25 हाई कोर्ट में सिविल क्रिमिनल केस लगाकर करीब 60 लाख मामले को लंबित है। 51,000 मामले, 846 सिविल केस और 21,682 क्रिमिनल केस 30 साल से ज्यादा का वक्त चल रहे हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका की प्रतिभागी युवाओं का चयन करने, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आयोजित संविधान दिवस के समारोह पर संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति इस बात पर प्रकाश डाल रही है, जब उन्होंने एक बात कही तो सामने CGI के भी शायद चेहरे पे और माइंड पर कुछ फर्क तो पड़ा हो, कि उन्होंने कहा कि हमारे जो न्याय व्यवस्था उसमें खर्च और भ्यासा न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। अब खर्च तो साहब समझते हैं कि कितने बड़े बड़े एक एक केस के लिए 20-20 लाख, एक एक हियरिंग के लिए 5-5 लाख रुपए लेने वाले कोर्ट कपिल में कपिल सिब्बल जैसे लोग बैठे हुए हैं। दूसरा, भाषा अंग्रेजी में टपर टपर करने वाले वकील और हमारे माननीय जो हैं आखिरकार अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? क्या हमारे देश के नागरिकों के लिए बाधा है भाषा या नहीं है? एक व्यक्ति जाता है और कोर्ट में बैठता है जो शायद पढ़ा लिखा हो या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शायद उसे अंग्रेजी भाषा की समझ ना हो, वो जाके कोर्ट में बैठता है या कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही होती, उसको पता ही नहीं होता जज साहब क्या बोल रहे हैं, मिलॉर्ड क्या बोल रहे हैं, जो वकील है उनका क्या बोल रहा है। ऐसे में वो कैसे समझ पाएगा कि उसको न्याय सही तरीके से मिल रहा, उसकी बातों को सही तरीके से रखा जा रहा है, या टपर टपर करके दो लोग अंग्रेजी भाषा में टपटपाते हुए और जो मन में आया वो बोलते जाते हैं। क्या हमारे इस व्यवस्था को बदलनी नहीं चाहिए? आज आपको बता दें, इसके अलावा ये तो हमने कहा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाषा और न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए जो है मतलब खर्च और भाषा बाधा है, राष्ट्रपति ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच सुधर सके, सुदृढ़ हो सके, संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं नागरिक केंद्रित हो सकती है कि राहुल गांधी की छोटी सी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता है, लेकिन एक गांव में बैठा, एक शहर में बैठा मिडिल क्लास, एक गरीब, मैं दलित पिछड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम हमेशा गरीब गरीब भी बात करते हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता है, गरीब गरीब होता है जिसके पास दो वक्त की रोटी ना हो खाने की, वो गरीब होता है। और गरीब जाति और धर्म देखकर नहीं आता है, इसलिए कभी भी जाति और धर्म की राजनीति करने वालों गरीबी से कम इन आरक्षण को हटाने का प्रयास करिए और किसी धर्म और जात के नाम पर आरक्षण मत दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप भी इस बात पर संज्ञान लीजिए और कहिए कहिए केंद्र सरकार से कि आप ये जो जात धर्म वाली जो आप आरक्षण दे रहे हो उसको खत्म करिए, क्योंकि खुद जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा था, हालांकि संविधान की नकल कहाँ कहाँ सीखेगी आप जानते हैं, मैं किसी के पराक्रम, किसी के जो वो है उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन अगर एक डॉक्टर नकल करके डॉक्टर बना तो शायद आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, कहेंगे तो नकल करके बना, मुझे ऐसे व्यक्ति से करना है और ऑपरेशन कराना है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो खुद का उसके पास ज्ञान हो। तो ऐसे में कई देशों का कॉपी किया हुआ संविधान क्या किसी को सही तरीके से ट्रीटमेंट दे सकता है? क्या हम उनको बनाने वालों के ऊपर एक बार तो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो अनंत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन सबके बीच में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस विविधीकरण प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हो सकता है जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर सकती है। आप समझ सकते हैं यहां पर उन्होंने क्या कहने का विचार वो किया है मुर्मू ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने कहा है कि जो ये कलीजियम सिस्टम है, जो कलीजियम सिस्टम से हमारे देश पर सीधे तौर पर केवल और केवल एक भाई भतीजावाद का केवल और केवल लग रहा है और पढ़े लिखे युवा उनके उससे वंचित रह जा रहे हैं, मुर्मू ने, राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ तौर पे कहा ये कलीजियम सिस्टम को एक तरह से एक तमाचा ही मान सकते हैं। सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए थे
आगे बढ़ते मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ऐसी प्रणाली कम प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक समूहों को भी अवसर प्रदान कर सकती है। न्याय प्रणाली को मजबूत करने के इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कोई भी प्रभाव तंत्र तैयार करने का जिम्मा मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। वो सीधे तौर पर सीजीआई को एक देख रही थी और सीजीआई को ही बता रही थी। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, शीर्ष अदालत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुझसे कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय आईआईटी और आईआईएम के सहित अन्य संस्थाओं का दौरा करने का मुझे मौका मिला। मुझे कई संस्थानों में जाने की जरूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं वहाँ के बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ। वे बहुत प्रभावशाली हैं। कई मौक़ों पर मैंने उनसे पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं। कुछ कहते हैं आईएएस, कुछ कहते हैं आईपीएस अधिकारी और अन्य कहते हैं कि वे न्यायपालिका में जाना चाहते हैं या न्यायपालिका आसानी से आने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। मुर्मू ने कहा, हमें खुद से पूछना चाहिए, खासकर आज जैसे मौकों पर, क्या देश के हर व्यक्ति नागरिक के न्याय पाना आसान है? आत्मनिरीक्षण करने पर हमें पाएंगे कि इसमें कई बाधाएं हैं। खर्च सबसे बड़ी बाधा के रूप में एक है। यह ऐसा मामला है जिससे मेरा विशेष ध्यान है, इसलिए न्यायपालिका विशेष रूप से शीर्ष अदालत द्वारा मुफ्त कानून सहायता के दायरे का विस्तृत करने के लिए विस्तार करने के लिए जो कदम उठाए गए मैं उनकी सराहना करती हूँ। साफ तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कई चीजों पर ध्यान दिया। उन्होंने साफ तौर पर सीजीआई और न्यायपालिका जजों के सामने, आखिरकार जजों के मन में उस समय क्या चल रहा होगा आप सभी जानते हैं। जो जज किसी को अपने मामलों में दखलंदाजी करने के लिए हल्की सी भी वो नहीं करते हैं। जिस जज साहब की गाड़ी जब रोड से निकलती है तो अनंत साहब को रास्ता दिया जाता है, उनके सामने की गाड़ियां हूटर बजाते हुए निकलती है और आम पब्लिक को से रास्ता हटाते हुए आपको वो आगे बढ़ जाती हैं। आखिरकार इतना सारा व्यवस्था में, इनको इतनी वरीयता इस व्यवस्था में 140 करोड़ में क्यों दी गई है? माफ कीजिएगा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मैं किसी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा हूं। माननीय जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है, अपने ही शब्द जुबान से उन्होंने कहा था, किसी को भी किसी के बारे में राय रखने की खुली छूट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हम यहां पर नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कहा ना वो अनंत हैं, वो दो कदम भगवान से भी आगे हैं। और कभी कभी, मैंने कहा ना वो अनंत हैं, वो कभी कभी वो भी सोचते होंगे शायद कि शायद मैं ही भगवान हूं। अगर इस बात से आप सहमत हो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सुझाए गए डीवाई चंद्रचूड़ को जो सुझाव हैं, क्या चंद्रचूड़ सीधे शब्दों में, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत ही कड़वे शब्द इस्तेमाल किए। अगर देखा जाए राष्ट्रपति के माध्यम से ने सीधे तौर पर कलेजियम सिस्टम को एक तरह से ऐसा निर्देशित करने का, तमाचा मारने का एक तरह से कहे, जिसे साफ तौर पर बताने का काम किया है कि कम से कम कलेजियम सिस्टम को सुधार लाया जाए और सिस्टम शायद देश के लिए हितकारक नहीं है और जो अंग्रेजी भाषा जिस भाषा में आप बोलते हैं वो भी हितकारी नहीं है। और कपिल सिब्बल जैसे लोग जो कि खेरिंग के 5-5 लाख लेते हैं शायद, और वकील जो हैं बड़े बड़े वकील हैं, शायद उनको भी एक तरह से आईना ही दिखाया है। पहली बार ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट सबको आईना दिखाता है, उस सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाया गया है। शायद हमारे माननीय अनंत को भी आज पता चला होगा कि राष्ट्रपति ने तो हमें कुछ न कुछ जरूर ऐसा झटका दिया है जो यहां तो लगा ही होगा। बने रहिए ओली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।